न्यूबॉर्न बेबीज को उनके डेलिकेट एंड डेवलपिंग नेचर की वजह से खास देखभाल की जरूरत होती है। उनका इम्यून सिस्टम अभी भी मैच्योर होने के प्रोसेस में है, जिससे उन्हें इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा होता है। इसके अलावा उनके ऑर्गन्स, स्पेशली लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, जन्म के समय पूरी तरह से फंक्शनल नहीं होते हैं। इस नाजुक टाइम के दौरान बेबी की प्रॉपर फीडिंग, हाइजीन एंड रेगुलर डॉक्टर्स चेकअप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बेबी की वेलबींग को इंश्योर करने के लिए। चाहे आप न्यू पेरेंट्स हों या बस थोड़े से आपको रिफ्रेशर की ज़रूरत हो, ये 12 टिप्स बेबी के शुरुआती दिनों को थोड़ा आसान बना देंगे। चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, क्रिएट अ सेफ एनवायरनमेंट। सबसे पहली चीज सेफ्टी। अपने घर को अपने बच्चे के प्रोस्पेक्टिव से विजुलाइज कीजिए। लूज फर्नीचर को फिक्स कीजिए, शार्प एजेस को कवर कर दीजिए और छोटी चीजों को बेबी की बहुत से दूर रखिए। जहां तक पॉसिबल हो घर को बेबी फ्रेंडली बनाइए। टिप नंबर 2, एस्टैब्लिश स्लीप रूटीन। बेबीज को रूटीन पसंद होता है और थके हुए पेरेंट्स को भी। हल्की रोशनी और सूदिंग म्यूजिक या सूदिंग साउंड के साथ एक आरामदायक सोने का रूटीन बनाइए। इससे आपके बेबीज को ये जानने में मदद मिलेगी कि ये टाइम है शांत होने का और कुछ नींद लेने का। टिप नंबर 3, प्रॉपर फीडिंग टेक्निक्स। फीडिंग टाइम एक बहुत ही खास वक्त होता है, चाहे आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हों या बोतल से फीड करवा रही हों। ये सुनिश्चित करें, इंश्योर करें कि आप सहज हैं और सही टेक्निक से बेबी को फीड करवा रही हैं। और हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो प्रोफेशनल से मदद लेने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। टिप नंबर 4, डायपरिंग। बेबीज के लिए डायपर सेलेक्ट करना भी एक कला है। डायपर का सही साइज ढूंढें और एक डायपर चेंजिंग स्टेशन बनाएं जो आपके छोटे सुपर हीरो को तैयार करेगा धमाल मचाने के लिए। टिप नंबर 5, बाथ टाइम बेसिक्स। टाइम टू स्प्लैश अराउंड। बाथ टाइम को बेबी के लिए फन टाइम बना दीजिए और अपनी ज़रूरत की हर चीज़ को विद इन अ रीच रखिए। यूज जेंटल प्रोडक्ट्स फॉर बेबी। पानी के टेम्परेचर को टेस्ट कीजिए और अपने बेबी के लिए इस बाथ टाइम को एक फन स्पा सेशन की तरह बना दीजिए। टिप नंबर 6, बॉन्डिंग थ्रू स्किन टू स्किन। स्किन टू स्किन मैजिक ये सिर्फ हॉस्पिटल के लिए नहीं है, ये एक गेम चेंजर बॉन्डिंग है। सो कडल अप योर बेबी एंड एंजॉय दोस प्रीशियस मोमेंट ऑफ कनेक्शन एंड वॉर्म। टिप नंबर 7, रिकॉग्नाइजिंग एंड सूदिंग क्यूज। बेबीज की अपनी ही भाषा, अपनी ही लैंग्वेज होती है। उन क्यूज को जानने की कोशिश कीजिए। बेबी कब भूखा है या बेबी को नींद चाहिए या बस थोड़ा आराम चाहिए, इन क्यूज को समझना ट्रस्ट बिल्ड करता है बेबी के और पेरेंट्स के बीच में, और बेबी और पेरेंट्स दोनों ही खुश रहते हैं। टिप नंबर 8, रेगुलर पीडियाट्रिक्स चेकअप्स। डॉक्टर्स के साथ रेगुलर हेल्थ चेकअप्स के लिए बेबी को लेकर जाइए। ये बेबी की अच्छी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इससे किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज को पकड़ने में और उसका इलाज करने में आसानी होती है। इसलिए रेगुलर डॉक्टर्स फॉलोअप के लिए जाएं, टाइम पर वैक्सीनेशन करवाएं और बेबी की अनमोल हेल्थ को ट्रैक पर रखें। टिप नंबर 9, एंगेजिंग इन टमी टाइम। टमी टाइम आपके छोटे सुपर हीरो के लिए एक कसरत की तरह होता है। स्टार्ट स्लो, लेट योर बेबी बिल्ड दोज मसल्स और जल्द ही वो एक चैंपियन की तरह अपना सर उठाने लगेंगे। टिप नंबर 10, ड्रेसिंग फॉर कंफर्ट। आइए बेबी के लिए फैशन की कुछ बात करते हैं। अपने बेबी को मौसम के अनुकूल आरामदायक कपड़े पहनाएं। याद रखें, लेयर्स आर योर फ्रेंड एंड डोंट ओवर ड्रेस। ज्यादा ही कपड़े ना पहनाएं बिकॉज वी वॉन्ट अ हैप्पी कोजी बेबी। टिप नंबर 11, बिल्ड सपोर्ट सिस्टम। यू आर नॉट अलोन ऑन दिस वाइल्ड राइड। अपनी टीम बनाएं, दोस्त, परिवार या ऑनलाइन कम्युनिटी। पेरेंटिंग के उतार चढ़ाव और अब मैं क्या करूं जैसे मोमेंट शेयर करते रहें। टिप नंबर 12, अपना ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।
आप पेरेंटिंग की मैराथन में हैं, अपना ध्यान रखें, थोड़ा आराम करें, हाइड्रेट रहें और याद रखें कि अगर मदद मांगना पड़े तो बिना हिचकिचाए मदद मांगे। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप अपने नन्हे मुन्नों के लिए सुपर हीरो बनेंगे। हर बच्चा एक यूनिक पजल है और इसलिए देखें कि आपके लिए कौन से टिप्स काम करते हैं और इस एडवेंचर का मजा लें। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सी यू सून।